अच्छे देखने में ना, बस जान निकल रही है। अभी हम जा रहे हैं चमीरा लेक, वहाँ पे क्या स्पीड बोट वगैरह है और वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज होती हैं, तो जाके देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे। और यहाँ पे शायद टोल वगैरह लग रहे हैं, और इधर कितना बढ़िया बना रखा है भालू। थैंक्स फॉर विजिट, यहाँ पे कुछ 40-50 रुपये लेंगे। ये राइट साइड में जो शहर है, ये चंबा शहर है। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है अभी, बहुत ही बड़ा शहर दिख रहा है। जैसे अपने दिल्ली में होती ना जनसंख्या, उस हिसाब से चंबा में हिमाचल प्रदेश के हिसाब से देखो कितना सारा, कितने घर बने हैं एक जगह। क्यों ये देखो शहर है, चंबा है पूरा, ये सुंदर लग रहा है ऊपर से देख के। तो पहाड़ों में कितनी सुंदर शहर बना हुआ है। चमीरा की तरफ जा रहे हैं, चंबा साइड में रह जाएगा, चंबा शहर के बीच में नहीं जाएंगे हम। गाना है चंबा कितनी दूर है, चंबा दूर नहीं है, चंबा बिल्कुल पास में है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, नगर परिषद चंबा, वो वाला पुल है वो क्रॉस करेंगे। यहाँ पे गाइस 5 मिनट या 10 मिनट का ब्रेक लिया चंबा शहर में, तो ये रावी नदी का एक पुल है बहुत बड़ा, तो हमने सोचा यहाँ पे थोड़ा वीडियो वगैरह बना लेते हैं, फ़ोटो खींच लेते हैं। बहुत ही बड़ी नदी है, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये रोड है, पुल क्रॉस करके हमको इधर जाना है एक्चुअली, तो हमने सोचा कि 5 मिनट रोके इधर फोटो वगैरह खींच लें। बढ़िया आ रही है, नदी का भी अच्छा लुक आ रहा है, पानी की आवाज़ भी आपको सुन रही होगी, बहुत ही लाउड है। और ये पैदल यात्रियों को क्रॉस करने के लिए साइड में, और गाड़ी क्रॉस करने के लिए इधर। ये देखो बढ़िया जगह है ना प्रियंका। तो अभी जो आपने देखा वो रावी नदी का बहाव, आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज थी। तो अब निकलते हैं यहाँ से वापस अपने डेस्टिनेशन चमीरा के लिए। चलते चलते ना एक खुराफाती आइडिया है, बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है यहाँ से, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार ड्रोन उड़ा लेता हूँ, पता नहीं आगे ऐसा मौका मिले ना मिले। तो फटाफट अगला शॉट ड्रोन से देखो आप रावी नदी का, ब्यूटीफुल नदी। एक बार फिर से रुक गए हम चमेरा लेक के लिए, और आपको दिखाता हूँ व्यू यहाँ से, दिमाग खेल जाने वाला व्यू, पता नहीं कैमरा में समझ में आया या नहीं आया। ये देखो यहाँ से रावी नदी निकल रही है, और वो देखो बढ़िया। तो अभी हमारे पीछे जो भाई साहब बैठे हैं इधर मंदिर पे, उन्होंने हमको बताया कि ये वाला रूट जाएगा, ये रूट जाएगा हमारी जो लेक है। अब पता नहीं लेक मिलेगी नहीं मिलेगी, गूगल इधर बता रहे हैं, भाई साहब इधर बता रहे हैं, लेकिन यहीं से बनी खेतों के जाया जाए जहाँ पे हमारा होटल है। तो अभी हम ऐसा करेंगे, यहाँ से 5-6 किलोमीटर बता रहे हैं लेक, ठीक है जाएंगे, अगर लेक मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो घूम के वैसे ही बनी खेत तो जाना ही है जहाँ पे हमारा स्टे है, तो दोनों काम हो जाएंगे। और व्यू तो वैसे हमने देख लिया और पूरे रास्ते देखते आए हैं, वीडियो थोड़ी बहुत बनाई लेकिन वीडियो में कुछ पता नहीं लगता। अब मैं आँखों के सामने देख रहा हूँ ना, तो बस इसको पी लूँ ऐसे आँखों से ही। क्यों अंकित है ना ज़बरदस्त, थोड़ी देर यहीं रुक सकते हैं माना, तो गर्मी तो है, धूप काफ़ी तेज़ है, क्रिस्टल क्लियर धूप है। चलो निकलते हैं फिर से अपने सफ़र पे आगे, मज़ा आ गया यार ये ट्रिप पे, तो ये वाला मज़ा था ना मनाली गए तब भी नहीं आया। चलो भी शुरू करते हैं फिर से।
गाइस हमको लेक पॉइंट तो मिला नहीं है, ना ही लेक मिली है। एक बढ़िया जगह मिल गई है जहाँ पे हम रुक गए हैं पुल पे। ये पुल है, बहुत तेज हवा चल रही है और ये रावी नदी यहाँ से यहाँ पे, और बिल्कुल भी चांस नहीं कि मैं ड्रोन निकाल के उड़ा। हवा इतनी तेज है कि कहीं पता लगे पानी में, कहीं बहुत ज़्यादा हाइट है यहाँ से। फोटो वगैरह खींच लेते हैं, अच्छी अच्छी काम आएगी कभी। वाले पुल पे तो ना एकदम से बस आ गई थी, एक ही गाड़ी क्रॉस कर सकती है, वहाँ से तो हम चल के आ गए। और एक और वॉकिंग वाला पुल मिला है हमें, तो हमने सोचा कि यहाँ पे भी रुक जाते हैं, ये भी देख लेते हैं। क्यों प्रियंका? देखो गाइस, अंकित तो ऑलरेडी हमारे आगे जा चुका है, ये वॉक करने के लिए गांव वालों के ना उधर से इधर जाने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए वॉक करने के लिए पुल बनाया हुआ है। यहाँ पे बाइक क्रॉस कर सकती है, मोटरसाइकिल भी क्रॉस कर सकते हैं, मतलब आदमी क्रॉस कर ही रहे, गाड़ियाँ नहीं क्रॉस होंगी। ऑफकोर्स बहुत ज़बरदस्त व्यू, सेम तेज हवा चल रही है, आई नो माइक्रोफोन में सुन रही है आपको, खतरनाक व्यू है यार अंकित, बर्थ है यार यहाँ पे आना। एक्चुअली हम आए तो थे चमीरा लेक देखने के लिए, और लेक शायद क्रॉस हो गई, हमारा रास्ता भटक गया था हम इधर उधर, और हमें ये बहुत ही अच्छी रोड मिली खजियार से चंबा, चंबा से आप कोटे आओगे बहुत ही ब्यूटीफुल रोड है, और साइड में आपकी रावी नदी जैसे ये देख रहे हो आप, और ये नदी आप पूरे रास्ते में मिलेगी, कहीं चौड़ी हो जाएगी कहीं पतली हो जाएगी, और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पुल आएंगे ऐसे। और यहाँ से नीचे देखने में ना बस जान निकल रही है, क्योंकि कुछ बाकी नहीं रह गया, खतरनाक व्यू है, डर लग रहा है भाई देख के, हिम्मत नहीं हो रही आगे देखने की, मैं जा रहा हूँ वापस। खड़े खड़े ना घबराहट का लेवल बढ़ रहा है, तो वापस जाएंगे अभी यहाँ से। खाने पीने के लिए बहुत सारे स्टॉल्स लगी हुई हैं, मस्त वाली भूख लगी है, देखते हैं क्या मिलता है खाने को। तो अभी अंकित टिकट ले रहा है स्पीड बोट की, 500 रुपये पर पर्सन है यहाँ पे। प्रियंका का मन नहीं है बिल्कुल भी, अंकित और मेरा मन तो हो रहा है। आपका देना भैया टिकट? हाँ जी, हाँ जी भैया। कौन सी बोट है? स्पीड बोट है भैया, अभी गए हुए क्या? अच्छा, वो भी स्पीड बोट नहीं है क्या? नहीं नहीं, ब्रेक डाउन है। अच्छा, ये स्लो बोट है, वो स्पीड बोट गई हुई है अभी, तो ये सीधी मोटर वाली बोट है जो स्लो चलती है, लेकिन हम फास्ट लोग हैं, क्योंकि हमें स्लो चीज़ें पसंद नहीं है, फास्ट चीज़ें पसंद है। हो जा रही इतना धीरे चलेगी। चलो जी, हमारी एंट्री हो रही है अभी स्पीड बोट में। मैं बैठता हूँ इस साइड, पीछे बैठता हूँ अकेले, आराम से। दो ही लोग हैं, अंकित ड्राइवर और हम, वो प्रियंका बैठे ऊपर वीडियो बना रही है हमारी। अब यहाँ से बढ़िया बनेगा, क्यों मज़ा आएगा अभी। चलो जी, एक नंबर जबरदस्त।
एक नंबर एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास। तो गाइस स्पीड बोट भी कर ली है एक ही दिन में, पैराग्लाइडिंग, स्पीड बोट, सब कुछ। ठंडा पानी था, मज़ा आ गया। अभी चलेंगे सीधा बानीखेत हमारे होटल में जहाँ पे हमारा स्टे है। और आज का ये ब्लॉग भी इधर ही एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।